की तरफ 90 डिग्री 90 इधर एंड 90 इधर। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे स्नैच एक्सरसाइज के बारे में। स्नैच एक्सरसाइज बहुत ही टेक्निकल एक्सरसाइज है, थोड़ा सा मैकेनिकली इसको टेक्निक्स हैं इसकी, कैसे आप इसको कर सकते हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम्स आती है कि वो स्नैच करते हैं, स्नैच करने के टाइम जब यहाँ से लिफ्ट करना है इधर, तो थोड़ा पोस्चर ऐसे जाता है क्योंकि शोल्डर की मोबिलिटी नहीं होती। तो वही मैं आपको सिखाऊंगा शोल्डर की मोबिलिटी भी कैसे करते हैं। सबसे पहले स्नैच करनी कैसे है, एंगल होता है, लोगों को पता नहीं कितना वाइड पकड़ना है, तो वाइड आपका इतना होना चाहिए, 90 यहाँ से और 90 इधर से, हाँ ऐसे आपका एंगल इतना होना चाहिए, उतना आपने वाइड पकड़ना है। थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे 3-4 मंथ्स आपको लग जाएंगे इसको प्रैक्टिस करने में। यहाँ से ये देखिए पोस्चर आपका सीधा ऊपर टक, ये आपको एक मैं डेमो करके दिखाता हूँ कैसे कर। जितना मैंने आपको एंगल बताया था 90 यहाँ से उतना आपने वाइड पकड़ना है। यहाँ पे आता है पैर अपने टोस हल्के से बाहर, ये उठाया फिर लेफ्ट साइड ये उठाना है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों को शोल्डर की मोबिलिटी नहीं होती, तो उसकी वजह से उनका शोल्डर एक्सरसाइज करता है। स्नैच करते हैं से स्नैच की एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपसे नहीं लगेगी। सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स हैं वो आपको मैं सिखाता हूँ, स्टेप्स करने कैसे हैं। सबसे पहले आपको ऐसे बैठना आना चाहिए, इतने वाइड एंगल पर रख के बस ऊपर आना है, एक तो ये पहला, और दूसरा स्टेप ये है इसको हाथों को हुक बनाना है, हुक ऐसे ऊपर की तरफ पुल करना है, ऊपर ना कि आगे, ऊपर 2-3-4। जब ये प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद दस साथ में जब आपने ऊपर उठाना है स्क्वाट एंड हाथ ऊपर रहें, दिस दिस, बीच में स्टॉप ही नहीं होगा, जस्ट एक प्रैक्टिस है आपकी, दिस स्टॉप नहीं करना ऐसे, ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। दिस ये जो आपकी लाइन है वो ऐसे बनेगी, ऊपर आए दिस, यहाँ से हल्का सा सर्कल दिस, ऐसे रिस्ट घूम जाएगी एंड आप साथ में ही आपका स्क्वाट होता है। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, मिलिट्री स्क्वाट्स करने हैं, पूरे वाइड पे अपनी रॉड पकड़िए एंड दिस स्क्वाट, 1-2, हाथ आपके कैसे रहेंगे ऐसे, नहीं आगे को नहीं जाने चाहिए पीछे, एक सेकंड रुकिए इसको उतार लग रहे हैं। जब आप रोड से कर लो तो ट्राई करो वेट्स डालने में, वेट्स के साथ ही ट्राई, जो था मैंने आपको बताया था, अगर आपका शोल्डर जा रहा है इधर उधर तो उसकी शोल्डर की मोबिलिटी के लिए कैसे करेंगे हम, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं शोल्डर की मोबिलिटी के लिए। रेजिस्टेंस बैंड कहीं पे भी बांध लो आप, ये 5 किलो का रेजिस्टेंस बैंड है, कोई ज़्यादा हैवी मत लो, 5 किलो का ही चाहिए क्योंकि हमने मोबिलिटी करनी है शोल्डर की। सबसे पहले वेरी सिंपल, एक टांग आगे कर लो, इसको पीछे की तरफ 90 डिग्री 90 इधर एंड 90 इधर, इधर साइड पे खींचना है एंड दिस, फिर ऊपर ऐसे करा ऊपर एंड अप, ऊपर की तरफ जाना है, हाथ आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमने रखना है पीछे, फिर ऐसे ही नीचे एंड आगे, उस साइड को इस साइड करो, फिर पीछे खींचा एंड अप, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ से, फिर ऊपर दूसरे एंगल से भी मैं दिखा दूंगा, फिर एंड नीचे, इसको 90, हाथ देखिए हाथ इस तरफ नहीं रखना, उधर घूमना है पीछे की तरफ रखना है, ये साइड पे एंड अप, फिर नीचे ऐसे एंड आगे, ये इसका बेनिफिट ये है, जब आप इसको खींचोगे आपका बैक शोल्डर वर्क कर रहा है, फिर आपने ऐसे किया ये आगे आपके मिडल पे, फिर आपने जब ऊपर किया ये बैक एंड मिडल दोनों पे स्ट्रेच आएगा इतना ज़बरदस्त कि भाई जब करोगे 5 रेप नहीं लगेंगे आपसे। फॉर एग्जांपल मेरी रॉड इस साइड को जा रही है अगर, तो मैं क्या करूँगा लेफ्ट साइड की मोबिलिटी करूँगा। ये बैंड के और भी बड़े बेनिफिट्स हैं, 5 kg का बैंड है, डीकैथलॉन का बैंड है, पूरा शोल्डर इससे स्ट्रेच हो जाता है। अब एक बार फिर स्नैच लगा के देखते हैं, इस दोनों वाइट पकड़ लिया हमने दस नीचे एंड ऊपर दस, सिंपल। तो आज की वीडियो के लिए बस यही, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो एंड मेरे को बताएं
कि और क्या क्या किस किस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है किसी भी जॉइंट में किसी भी तरह की, तो नीचे कमेंट में मेरे को बताओ, तो मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।